हीरो रोज पैदा नहीं होते हैं। मैं कब तक हीरो बनता रहूंगा पाकिस्तान का? 63 की जंग में मैं हीरो, ताशकंद में मैं हीरो, इंतखाब में मैं हीरो, अब मुझे फिर आप हीरो की बस। मैं हीरो बनने नहीं चाहता, मैंने तोबा की इस हीरो बनने से। हीरो आप और किसको बनाए? हीरो आप उनको बनाए जो हीरो बनने चाहते। ये गरीब, ये गुनाहगार हीरो बनने नहीं चाहते। मैं हीरो बनने नहीं चाहता। मैंने काफी गालियां सुनी है कि मैं अब ये ख्वाहिश करूं कि मैं भी हीरो बनूं। जैसे मैंने कहा कि अपने इक्तदार का हवस था, या मुझे कभी इक्तदार का हवस थे? अगर था तो मुझे इक्तदार हासिल, मैं प्रेसिडेंट बना चुका, मैं प्राइम मिनिस्टर बना, और अब मैं क्या चाहता? इससे कौन सा बड़ा अहदा मुझे मिल सकता है कि मैं हीरो बनने की कोशिश करूं? मैं उनमें उनको कहा, जनाब मैं हीरो बनने नहीं चाहता, मैं एक मुनसफाना फैसले के तलाश में, मैं इस फैसले के तलाश में हूं जिसे पाकिस्तान की सालमियत मजबूत हो, जिसे पाकिस्तान की हाथ में तो कोई खतरा न पहुंचे, जिसमें बैरूनी मुदाखलत न हो। मैं उस मसले के सर्च में हूं, पड़ी हुई है। मैं तारीख का, मैं एक शहर हूं। मैं नहीं कहता हूं कि मेरी जरूरत है, इस वक्त मेरी जरूरत, खुदा की कसम इस वक्त मेरी जरूरत, मेरी जरूरत तो होती कि मेरे बाप ने मुझे बहुत मेरे लिए छोड़ा हुआ है, जहां मैं वारकाने कराची और मैं यूरोप भी अपनी सारी जिंदगी गुजार सकता हूं। अगर किसिंजर साहब एक मामूली बात पर इस्तीफा का धमकी दे सकते हैं, तो मैं इस्तीफा की धमकी दे सकता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि रखो चलाओ, किसी को भी चलाना है चलाओ, चलाओ पाकिस्तान को, मैं चलाने के लिए तैयार हूं। क्या गालियां मुझे मिले, तर्क मेरे खिलाफ हो, नफरत मेरे खिलाफ हो? क्यों? इसलिए मुझसे कौन सी कोताही हुई है? मैंने क्या किया? मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैंने मुल्क को बचाने की कोशिश की है, मैंने पाकिस्तान की शुरू से खिदमत की है, मैं पाकिस्तान का कायम रहा हूं, अकीदा है मेरा पाकिस्तान की। इसलिए आप कहते हैं कि इसको हटाओ, इसको मारो। मुझे मालूम है कि काबुल में क्या बातें हो रही है, मुझे मालूम है काबुल की मस्को में क्या बातें, मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान का धमाका जो एटमी धमाका हुआ के सूरत में हुआ है, बैरूनी साजिशी, अंदरूनी साजिश। मेरे खाते मुझे आप उड़ा दें, मुझे आप निकाल दें, मुझसे आप नफरत करें, मुझको आप घर भेज दें, मुझे आप गोली मार दें, मुझे कोई नहीं। मैं आपके सामने हमेशा होगा, मैं आपके खादिम हमेशा रहूंगा। मैं मुसलमान, मैं मुसलमान का बच्चा, मैं पाकिस्तान के लिए जान दूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए जान दूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी करूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी करूंगा, मैं पाकिस्तान के आपके